prove that work done by magnetic force on a charge particle is zero. वो कह रहा है जी एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा था और चार्ज पार्टिकल जब मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में तो मैग्नेटिक फील्ड ने फोर्स लगाई, वो जो फोर्स है वो चार्ज पार्टिकल पे कोई वर्क डन नहीं करेगी। इसको करने के लिए मैथमेटिकली एक चार्ज पार्टिकल क्यू जो वी के साथ मूव करता है ना मैग्नेटिक फील्ड बी, तो फोर्स क्या होती है बी क्यू वी, क्यू इंटू वी क्रॉस बी। अब ये जो फोर्स है इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वी वेक्टर, वो क्यों, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट में ये वेक्टर इसके हमेशा क्या आएगा 90 डिग्री पे आएगा। क्लियर है? अब एक बात बताओ, हमने प्लस वन में किया था कि वर्क डन पर सेकेंड को क्या लिख सकते हैं, पावर, या फिर वर्क डन क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है वेलोसिटी। तो वर्क डन पर सेकेंड तो स्केलर क्वांटिटी है ना, और ये फैक्टर है, ये वेक्टर है, तो बीच में कौन सा प्रोडक्ट आएगा डॉट, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट से आंसर स्केलर आएगा। तो फॉर्मूला क्या है एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर का मतलब क्या है, एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर का मतलब वर्क डन पर सेकेंड। लिखना लिख लो, यहां पे असाइनमेंट में लिखा नहीं हुआ, ये एक्चुअल में है क्या, दिस इज वर्क डन पर सेकेंड। अब क्योंकि एफ वेक्टर वी वेक्टर के साथ 90 डिग्री पे है अभी क्रॉस प्रोडक्ट की वजह से, तो डॉट प्रोडक्ट उनका क्या आएगा जीरो, तो वर्क डन की वैल्यू भी क्या आएगी ऑटोमेटिकली जीरो, हो जाएगा प्रूफ। ठीक है यहां तक? नोट है बहुत इंपॉर्टेंट, हमने कर लिया ये, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव्स इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर टू वी वेक्टर, किया हमने, ये देखो यही किया था, वी वेक्टर के परपेंडिकुलर लग रही थी हमेशा फोर्स, और एक चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है इट मूव्स इन अ सर्कल, किया था ये सारा अभी। अब वो कह रहे हैं कि दिस फोर्स चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल, ये चार्ज पार्टिकल की सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर रही है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं लेके आ रही, तो इट कैन नॉट चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, तो वैल्यू या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है।